32 वर्ष पूर्व उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम की स्थापना अम्बुदिया में हुई। उस समय आश्रम की 14 बीघा भूमि उबड़ खाबड़ बंजर जंगली जानवरों से भरपूर, बिजली नहीं, पानी नहीं, पहुंच मार्ग नहीं, एक झोपड़ी बनाकर आश्रम की शुरुआत की गई। लगातार पीड़ितों की संख्या बढ़ती गई। 8000 से ज्यादा पीड़ितों को आश्रय दिया गया। प्रारंभिक 14 वर्षों में सेवाधाम की खूब अग्नि परीक्षा हुई, खूब आलोचनाएं हुई, लेकिन हम अपने सेवा पद से डिगे नहीं। इंदौर के समाज सेवी तपस्वी श्री प्रबल सिंह जी सुराणा और स्वर्गीय श्री सुधीर भाई कुमट जी ने आश्रम को नया जीवन देने के लिए संकल्प लिया। BCM ग्रुप के श्री नवीन मेहता जी, अरविंद मेहता जी, राजेश मेहता जी सहित संपूर्ण मेहता परिवार ममतामयी माँ शांति देवी जी के आशीर्वाद से आश्रम से जुड़ा। सुमतीलाल जी जैनावत, मनोहरलाल जी जैन, सरदार मलजी दातेड़, इंद्रदेव जी आर्य, पारस जी कटारिया, सूरजबेन बोहरा जैसे समाजसेवी और दानवीर मामाशाहों ने कुंवर जी और सुराणा जी के नेतृत्व में आश्रम के विकास को गति दी। आश्रम में वर्तमान में 650 पीड़ित निवास करते हैं। इनमें कैंसर, टीबी, HIV, मरणासन, बिस्तर ग्रस्त, अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से शिकार, जन्मजात बच्चों से लेकर 100 साल तक के वृद्ध सम्मिलित हैं। हमारे इस परिसर में स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग भवन है, किंतु महिलाओं के लिए स्थान अत्यंत ही सीमित है। स्वतंत्र रूप से उनका विचरण नहीं होता है, इसलिए सेवाधाम द्वारा क्रय की गई 10 बीघा भूमि पर हम 500 महिलाओं का एक प्रकल्प स्थापित करना चाहते हैं। सर्व सुविधा युक्त इस भवन में उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए आवास आदि की व्यवस्था रहेगी। इस महिला प्रकल्प पर लगभग 8 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। दानदाता के नाम की पट्टिका का प्रावधान है। 100 महिलाओं के एक प्रकल्प पर 1.5 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी प्रकार आश्रम में दिव्यांग, बहुदिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, संक्रामक रोगों से शिकार लगभग 140 बच्चे इस समय निवास कर रहे हैं। इनके शिक्षा प्रशिक्षण और सुव्यवस्थित आवास की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इनके लिए हम एक परिसर बनाना चाहते हैं, उस पर भी लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। आश्रम में पीने के पानी की और दैनिक उपयोग के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए एक बड़ा वाटर टैंक लगभग 1,00,000 लीटर का बनाना है। इसके साथ ही सुसज्जित व्यवस्थित भोजनशाला 10,000 स्क्वायर फीट में बनना है, ताकि समस्त आश्रमवासी एक साथ भोजन का लाभ ले सके। इस पर भी 1 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। आश्रम के आंतरिक मार्ग में पेवर्स लगाना, उद्यान का निर्माण करना और अनेक प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भी 60 से 70 लाख रुपए की आवश्यकता है। आश्रम के नियमित खर्च के लिए इस समय लगभग 20 लाख से अधिक की राशि का व्यय होता है। जन सहयोग से आश्रम का संचालन होता है। प्रतिमाह इतनी बड़ी राशि जुटाना मुश्किल है, स्थायी निधि नहीं, अतः स्थायी निधि में भी हमारे दानवीर भामाशाह हमारी मदद कर सकते हैं। आश्रम के उत्थान में सहयोग के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए सरस्वती लब्ध आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा 2005 में और 2018 में सेवाधाम आश्रम में पधारे। आप अपने प्रवचनों में सेवाधाम का हमेशा उल्लेख कर यहाँ की सेवाओं को जन मानस तक पहुँचाने का एक बहुत ही बड़ा अहम कार्य कर रहे हैं। आश्रम के विकास में, विस्तार में आप सभी का सहयोग आवश्यक है, तभी हम यहाँ के वासियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर पीड़ित मानवता के इस महायज्ञ में आहुति प्रदत्त करें। जय मानव, जय जगत, जय जीवन।